हमें लगता है कि इम्तियाज जलील साहब जीत गए, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असद ओवैसी साहब की इसमें हार हुई है। इम्तियाज जलील साहब का जो स्टेटमेंट है वो पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो उनका इंडिविजुअल स्टेटमेंट नहीं है, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है। महाराष्ट्र मजलिस के सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब का वंचित बहुजन आघाड़ी में से बाहर निकलने के इस फैसले को चारों तरफ से सवालात खड़े होने के बावजूद करीबन 5 दिनों के बाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज उनके उस फैसले की या स्टैंड की तायद की है। इसमें हमें लगता है कि इम्तियाज जलील साहब जीत गए, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असद ओवैसी साहब की इसमें हार हुई है, क्योंकि जिस तरीके से एक बहुजनवादी सियासत का आगाज हुआ था उसको इस आधे अधूरे तरीके से तोड़ने के पीछे यकीनन कुछ वजूहात है। हम इनके इंटरनल मामलों में दखल नहीं देना चाह रहे थे, जबकि पिछले 5 दिनों से इम्तियाज जलील साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारी पार्टी के और लीडरशिप के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्टली कुछ इल्जाम लगाने का मुसलसल उनका सिलसिला जारी है। लेकिन दरअसल उनके पार्टी के इंटरनल मामला होने से हमें लग रहा था कि ये बैरिस्टर ओवैसी साहब इसको टैकल कर लेंगे। बेसिकली औरंगाबाद की जो सियासत है, वहां की जो गुटबाजी है और वहां पर जिस तरीके से एक उनका इंटरनल इशू चल रहा है, ये पूरी उसके ऊपर उसके इर्द गिर्द घूमने वाली सियासत है। बैरिस्टर ओवैसी साहब के कंट्रोल से इम्तियाज जलील साहब निकल चुके हैं। इनको, इम्तियाज जलील साहब को औरंगाबाद की आवाम ने, वंचित बहुजन तबकों ने वोट देकर जिताया है और उस जीत के लिए हम उनको मुबारकबाद दे चुके हैं।